बाबा जी जी जी, तो इसे 302 का सुने दुर्भाग्य है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 302 का तो हूँ नहीं मैं, इसलिए वो लोग सोच रहे की 151 को ही 302 बना देंगे। सर्किल रेट अगर लेखपाल को नहीं मालूम है तो ऐसे लेखपाल के खिलाफ क्या करना चाहिए, कार्रवाई करना हो गया पाए हैं आज बोलिए वहाँ से फ्रेम बना जबकि मालूम होना चाहिए यहाँ का राजस्व, ये लड़ाई लड़नी चाहिए ना। हाँ बस वही बता रहा हूँ, आशीर्वाद नहीं है लड़ाई लड़े रहे हैं क्षेत्र का सारे लोग क्षेत्र यही हरदे लजी विधायक हुआ आप कचहरी में आए क्या मामला? मुझे एक नोटिस आई थी 151 107 16 की नोटिस, 120 122 बी की नोटिस आई थी, कल मुझे शाम को नोटिस मिली और उसमें लिखा था कि 24 तारीख को आपको स्वयं हाजिर होना है, अगर आप हाजिर नहीं होंगे तो आपकी मौन स्वीकृति को आपके खिलाफ मान लिया जाएगा और एक पक्षी आदेश कर दिया जाएगा, इसलिए मैं आया था और आने के बाद मैं अपने लिए समय का गुहार लगाया हूँ कि मुझे और समय मिले ताकि इस सोच के इसका जवाब मैं दे सकूँ। क्या मामला था, क्यों कोर्ट ने नोटिस दिया? मामला देखिए, पूरे आंदोलन पूरे देशव्यापी चल रहा है, किसान का आंदोलन है और किसान आंदोलन के सपोर्ट में धरना स्थल पर मैं आया था, धरना स्थल पे अगर धरना आदमी नहीं करेगा तो कहाँ करेगा, अपनी बात उठाने के लिए एक जगह मुकर्रर की गई है, उस जगह पर मैं जब धरना स्थल पर आकर अपनी बात को कह रहा था, वह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नगवारा लगे और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के एजेंट के रूप में यह पुलिस कार्य कर रही है और यह 151 में मुझे 4 दिन जेल भेजने का काम की है। इसमें और भी धाराएं लगाई हैं, लगाई गई हैं? हाँ, 107-16 और 151 ही लगी है, कोई दूसरी धारा नहीं लगी है, 151 और 107-16 धारा है मेरे खिलाफ। यह एक अधिकारी पूछ रहा था, थाना इंस्पेक्टर से पूछ रहा था कि यह बताइए कि इतनी लंबी राजनीति है मनोज जी की, इतनी लंबी राजनीति में इनके ऊपर केस क्यों नहीं है, यह एक अधिकारी पूछेगा अपने थाना अध्यक्ष से कि इतनी लंबी पारी खेल चुके हैं मनोज जी, इनके ऊपर केस क्यों नहीं है, मतलब केस नहीं है तो केस करना जरूरी है, जैसे 307 और 302 के मुजरिम को नोटिस जाती है वैसे 151 और 107-16 में नोटिस गई।